जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार की योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा कर प्रगति लाने के दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन प्रभावी रूप से करावे। इसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करे, साथ ही फील्ड में औचक निरीक्षण भी किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ तक तय सीमा में करना पूर्ण करें, आमजन की परिवेदनाओं के निराकरण के कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता पाई जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सत्यापन का कार्य त्वरित गति से शत प्रतिशत करवाया जाए। इसके लिए संबंधित विभाग आपस में समन्वय रखे। उन्होंने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत वितरित किए गए स्मार्टफोन वितरण की गति को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि शिविर स्थल पर बुलाए गए लाभार्थियों के अलावा आने वाले लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए उन्हें योजना की पूरी जानकारी एवं उनके पात्र व्यक्तियों की पात्रता की जांच के बारे में भी अवगत करवाया जाए। उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की समीक्षा कर निर्देश दिए कि योजना के तहत कार्य योजना बनाकर कार्य करवाया जाए, नए जॉब कार्ड जारी करे तथा जॉब कार्ड धारकों को 125 दिनों का कार्य दिया जाए। कार्य निरंतर होवे तथा ये कार्य प्राथमिकता तय कर सभी वार्डो में करवाए जाए। बैठक में एडीएम प्रथम उत्तम सिंह शेखावत, जिला परिषद के सीईओ कनिष्क कटारिया, नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं समस्त उपखंड अधिकारी वीसी के माध्यम से मौजूद रहे।